हेलो एवरीवन, आईवाईओ में आप सबका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपने घरों में स्वस्थ पूर्वक हैं। क्या कभी आपने ये सोचा कि आपके एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ किए जा रहे गूगल असिस्टेंट और एप्पल्स आईफोन के सीरी जैसे फीचर्स कैसे काम करते हैं और रियलिटी में क्या है, किस तरह गूगल में कुछ भी सर्च किए जाने पर यह उसके रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट कर पाता है। तो फ्रेंड्स, इन सभी बातों को जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आपने अगर भारत में बनी रोबोट या हॉलीवुड की टर्मिनेटर मूवी सीरीज को देखा होगा तो आपको यह पता होगा कि ये रोबोट या मशीन्स को ह्यूमंस खुद के फॉर्म में ढालने की कोशिश करते हैं, यानी कि इन मशीन्स में हमारी तरह थिंकिंग एबिलिटी, रीजनिंग कैपेसिटी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे टेक्निक्स होती हैं जिससे ये बहुत हद तक ह्यूमंस की तरह बिहेव करते हैं। मशीनों के स्टेट को हम आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस कहते हैं, हालांकि मानव ने अभी तक इसे अचीव नहीं किया है। वही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुछ हद तक अपने डेली लाइफ में सक्सेसफुली अप्लाई कर पाए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विज्ञान की भाषा में मशीनों द्वारा ह्यूमन बिहेवियर को नकल करने को कहा जाता है। इसे हम तीन एवोल्यूशनरी स्टेजेस में बांट सकते हैं, जिनमें आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और फाइनली आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस आते हैं। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, जिसे हम वीक AI भी कहते हैं, इनका मेनली एप्लीकेशंस कुछ स्पेसिफिक कामों के लिए ही किया जाता है। जैसे एलेक्सा एक वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अच्छा एग्जाम्पल है। यह पहले से ही निर्धारित लिमिटेड फंक्शंस के आधार पर ऑपरेट करता है। इसी तरह गूगल सर्च इंजिन, जो कि ऑफकोर्स एक वीक AI है, कुछ पार्टिकुलर एल्गोरिदम्स के ऊपर काम करता है। जब आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करता है कि आप क्या सर्च करना चाहते हैं, फिर ये अपने पास डेटाबेस के आधार पर आपके सर्च को मैच करता है और आपके लोकेशन के आधार पर आपके सर्च रिजल्ट्स को कंफर्म करता है। वही गूगल असिस्टेंट एंड्रॉयड डिवाइसेस में गूगल का एक ध्वनि सहायक AI है, जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस के माध्यम से हमें वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट का अनुभव देता है। मई 2018 में गूगल ने गूगल असिस्टेंट के एक्सटेंडेड फॉर्म गूगल डुप्लेक्स को रिवील किया, जो इसे ह्यूमन वॉइस की नकल करके प्राकृतिक बातचीत करने की अनुमति देता है। ये AI खुद से ही ऐसे कार्य कर सकता है, जैसे हेयर सैलून में अपॉइंटमेंट बुक करना, रेस्टोरेंट रिजर्वेशन के लिए शेड्यूलिंग करना और कई अन्य इंपॉर्टेंट बिजनेसेस को कंट्रोल करने में सहायता करता है। तो चलिए इस वीडियो क्लिप को देखिए और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन के बीच अंतर करने की कोशिश करिए। Happening out for you? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. तो इससे आपको पता चल गया होगा कि AI हमारे डेली लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता जा रहा है। AIs के अदर फेमस एप्लीकेशंस में टेस्ला मोटर्स का सेल्फ ड्राइविंग कार्स और हेल्थ के क्षेत्र में IBM वॉटसन जैसे AIs विख्यात हैं। इसके अलावा गूगल के द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अल्फा गो, गूगल मैप्स, गूगल नाउ और गूगल्स आई डॉक्टर जैसे एप्लीकेशंस का हमारे लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता जा रहा है। पर कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि AIs में हो रहे रैपिड डेवलपमेंट से ह्यूमन रेस को खतरा हो सकता है। तो आने वाले फ्यूचर में ह्यूमंस और उनका लाइफस्टाइल किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रभावित हो सकता है, इन सभी संभावनाओं पर हम अपने किसी अन्य वीडियो में जानेंगे। तब तक इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया आप इसे लाइक एवं शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाने के लिए हम प्रेरित हो सकें।